हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन तो इस वीडियो में आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके अंदर एक रिक्रूटमेंट जारी किया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ये जो है वैकेंसीज निकली है और सबसे पहले तो ये बता दू 15 पोस्ट के लिए लगभग 60 कितनी वैकेंसी है पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा कहा लोकेशन है आपकी पोस्ट का वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको लिंक वीडियो के एंड में आपसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक शेयर कर दूंगा एक नोटिफिकेशन का और एक अप्लाई ऑनलाइन का ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े तो सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो पता चले सो so, ये है इसका मेन नोटिफिकेशन सबसे पहले तो ये बता दू बीस जून से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है 19 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है 47 सेवन लोकेशन है इनके पूरे इंडिया में तो लोकेशन वाइज भी यहाँ पे पोस्ट बताए हैं और कुछ जो स्टार्टिंग जो पोस्ट है वो हाई लेवल के जिसमें मोस्टली एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है और बाकी के जो पोस्ट है वो फ्रेशर्स के हैं तो वन बाय वन जो भी चीजें वो देखेंगे सो फाइनेंशियल कंट्रोल पहला जो पोस्ट है वो इसमें एक ही वैकेंसी है इसका स्केल ऑफ पे हर एक का दिया हुआ है क्योंकि परमानेंट पोस्ट है और एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे यहाँ पे इसेंशियल

सेकंड जो हाई लेवल का यहाँ पे सेम पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कम फाइनेंस ऑफिसर जिसमें दो वैकेंसी है दो में से एक वैकेंसी कोलकाता लोकेशन के लिए एक है औरंगाबाद महाराष्ट्र लोकेशन के लिए और इसका भी पे बैंड और रिवाइज पे बैंड सारी चीजें मैट्रिक्स दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिंपल है पोस्ट ग्रेजुएट आपका कोई भी डिसिप्लिन में या फिर ग्रेजुएट विद पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट लेकिन आठ साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है ओके इसेंशियल एक्सपीरियंस है ये उसके बाद में तीसरा जो पोस्ट है वो है सीनियर फाइनेंस ऑफिसर जिसमें आपका जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आईसीडब्ल्यू एमबीए फाइनेंस आपका हुआ होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट इन कॉमर्स विथ सिक्स ईयर एक्सपीरियंस इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन अभी यहाँ पे ये है कि जिनका सी ए या फिर एम फाइनेंस हुआ है उनको एक्सपीरियंस का नहीं बताया है सिर्फ जिनका इन कॉमर्स है, यानी कि बी वगैरह जिनका हुआ है और प्लस सिक्स ईयर का एक्सपीरियंस फाइनेंस फील्ड में तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं बाकी सी और आईसीडब्ल्यू वाले एम फाइनेंस वाले या फिर सी एस या फिर एस वाले डायरेक्टली अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं एज अ फ्रेशर्स भी जो है यहाँ पे एक पोस्ट है हेडक्वार्टर पे सीधा और 50 यहाँ पे भी एज लिमिट दिया है असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की जो पोस्ट है इसमें एक वैकेंसी है जिसमें डिग्री फ्रॉम रिकोग्नाइज इसमें भी यूनिवर्सिटी आईसीए आईसी जरूरी है मिनिमम 60 परसेंट जरूरी है और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स या फिर एमबीए फाइनेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एक्सपीरियंस का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर पोजिशन कोई भी एरिया में आपका लेकिन फाइनेंस एरिया में जरूरी है एंड एक्सपीरियंस जो यहाँ पे बताया है टू ईयर्स फॉर ए यानी कि अगर आपका सी आई सी डब्ल्यू है तो आपका दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री कॉमर्स एम बी ए फाइनेंस होगा तो पांच साल का एक्सपीरियंस जरूरी है एक जो वैकेंसी है वो चेन्नई लोकेशन के लिए चालीस साल तक आपका एज लिमिट यहाँ पे रहे

एम बी एच आर मैनेजमेंट पर्सनल फ्रॉम द जो है वो बता दू, साल जरूरी experience for A, अगर आप A qualification आपका है B है तो आपका साल experience, और अगर C है तो आपका दो ही साल का एक्सपीरियंस जरूरी है तीनों वैकेंसी जो है वो रोपार के लिए एक के EWS का बाकी ओपन की दोनों वैकेंसी कोलकाता और हेडक्वार्टर लोकेशन पे आपको है और इसका भी 40 आपका एज लिमिट है नेक्स्ट सिक्स जो पोजीशन है वो है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की जिसमें दो वैकेंसी ओपन एंड ओबीसी के लिए सो so, इसमें भी पे बैंड अच्छे से चेक कर लो इसमें जो वैकेंसी है ये बता दूं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट इन कॉमर्स सिंपली आपका होना चाहिए एंड विथ डिप्लोमा इन फाइनेंस ओके अगर आपका ये ए क्वालिफिकेशन है तो दो साल का एक्सपीरियंस अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स है ओके okay, तो आपका जो है क्या एक्सपीरियंस जरूरी है वो मैं बता दूं सो so, बी और सी के लिए नील है यानि एम बी एन फाइनेंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन या यानी कि एमकॉम अगर हुआ है या फिर एमबीए फाइनेंस हुआ है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस ओवर ईयर अभी यहाँ यहाँ तक जो था पांच तक आपको इंटरव्यू देना था यहाँ पे एज लिमिट जो है थर्टी है जम्मू कश्मीर का एक है और इम्फाल का एक वैकेंसी है और इम्फाल का ओबीसी का है ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टेस्ट ओनली यानी कि कोई भी इंटरव्यू आपको देना नहीं है यहाँ पे और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें असिस्टेंट का जो नेक्स्ट पोस्ट है उसमें पांच वैकेंसी है तीन ओपन दो ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें जो है आपका फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉन्नाइज यूनिवर्सिटी विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कम्प्यूटर्स प्रेफरली जो है ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट या फिर हाइयर सर्टिफिकेशन जरूरी है एक्सपीरियंस जो है वन ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड डिजायरेबल पे सर्टिफाइड बोला है लेकिन जरूरी है ऐसा नहीं है uh, जो पांच वैकेंसी है गोरखपुर के लिए एक है औरंगाबाद के लिए एक है ईडब्ल्यू का ध्यान रखना हेड क्वार्टर में भी एक वैकेंसी है ओपन और ईडब्ल्यूएस के लिए और रोपार के लिए ओपन के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे भी रिटर्न टेस्ट पे ही आपका होगा सत्ताइस

एंड शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ यहाँ पे जो दिया अस्सी हंड्रेड बाई अस्सी जो है अगर आपका हंड्रेड वर्ड पर मिनट है तो वो इंग्लिश में होना चाहिए अस्सी है तो हिंदी में होना चाहिए ये जरूरी है एंड बाकी सारी चीजें वर्किंग एक्सपीरियंस टू ईयर्स इन सिमिलियर एस एंड टी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो है वो ये डिजायरेबल है ऐसा नहीं कि आपको जरूरी है जूनियर असिस्टेंट जिसमें लगभग पांच वैकेंसी है दो ओपन दो ओ बी सी एक एस टी के लिए और यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी का भी बताया गया है सो so, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी आपका जूनियर असिस्टेंट है तो थर्टी वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स प्रेफर किया जाएगा आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट ध्यान रखना जहाँ पे भी वर्किंग शॉर्ट एंड या ऐसा कुछ लिखा हुआ है या वहाँ पे आपका रिटर्न के बाद स्किल टेस्ट होगा इंटरव्यू नहीं होगा लेकिन क्वालिफाइंग नेचर वो रहेगा आपका स्किल टेस्ट हमेशा जो होता है वैकेंसी कैसे स्प्लिट है हेडक्वार्टर के लिए एक वैकेंसी है एस उसके बाद में कोलकाता एक जो ओपन के लिए चेन्नई एक ओबीसी रोपार में ओबीसी के लिए एक शिलोंग में ओपन के लिए एक वैकेंसी 27 सेवन ईयर ऑफ एज लिमिट एंड रिटर्न टेस्ट ओनली ओके जो ऑब्जेक्टिव टाइप साइंटिस्ट डी का जो पोस्ट है तीन वैकेंसी है और इसमें जो है आपका ये टेक्निकल पोस्ट है डेफिनेटली सो बी बी टेक आपका इंजीनियरिंग जो है सी एस कंप्यूटर साइंस आई टी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है तो भी चलेगा या फिर आपका प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो आई टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चलेगा एम एस सी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी चलेगा फिजिक्स भी चलेगा विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी ये आपका पहला क्वालिफिकेशन इसके लिए एक्सपीरियंस भी जरूरी आगे बताऊंगा या फिर एम एम टेक आपका वही सारे फील्ड में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पीएचडी वही सारे फील्ड में जो हुआ है स्ट्रिप में अगर वो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है साइंटिस्ट डी का पोस्ट है अच्छा खासा लेवल का पोस्ट है तो ए के लिए कंडीशन है ग्रेजुएशन के लिए आठ साल का एक्सपीरियंस बी के लिए कंडीशन है छह साल का एक्सपीरियंस और सी के लिए कंडीशन है यहाँ पे चार साल का एक्सपीरियंस और जो तीनों वैकेंसी है इम्फाल कैलिकट एंड आपका जो है चेन्नई इन लोकेशन के लिए 40 साल तक यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होगा मोस्ट लाइकली साइंटिस्ट सी का जो पोस्ट है उसके जस्ट uh, जूनियर तो यहाँ पे आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सो दो वैकेंसी है तीनों वैसे ही यहाँ पे आपके जो है क्वालिफिकेशन जरूरी मतलब और में है अगर आपका ग्रेजुएशन है इन सारे स्ट्रीम में तो चार साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कम हो गया एक्सपीरियंस क्योंकि साइंटिस्ट सी का पोस्ट है एम ई टेक है तो आपका दो साल एंड अगर आपका पीएचडी हुआ है डॉक्टर हेट आप हो कंप्लीटेड है तो आपको नील है एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं चेन्नई और शिलोंग पोजीशन के लिए थर्टी फाइव एज लिमिट के साथ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा नेक्स्ट uh, जो पोस्ट है जिसमें बहुत सारी वैकेंसी है 24 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बहुत सारी वैकेंसीज इसमें है सो एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दू बीबीटेक वही सारे स्ट्रीम जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ दूसरा ऑप्शन और में है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस आई वो चलेगा तीसरा है एम सी ए जो है प्रेसिडेड बाय दी बी एस सी विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट ये जरूरी है बी बी सी ए विध मैथमेटिक्स एट टेन प्लस टू सिक्सटी परसेंट या फिर आपका जो सर्टिफाइड हो यानी कि बी लेवल का जो है आपका डी ओ ए सी सी आपका जो बी लेवल का अगर सर्टिफिकेशन है जिसमें आपके मैथमेटिक्स और टेन प्लस टू में होने चाहिए या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर, आईटी, साइंस वो भी चलेगा अभी बात करेंगे है एक्सपीरियंस की सो so, आपका ग्रेजुएशन है आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर और बहुत अच्छी पोस्ट है सीनियर अच्छा एक साल का एक्सपीरियंस ओके और सी के लिए भी एक साल डी के लिए भी एक साल ओके और, और एक चीज यहाँ पे बता दू जो ई e है यानी कि डिप्लोमा तो यहाँ पे पांच साल जरूरी है इसमें जो वैकेंसी है गोरखपुर में तीन वैकेंसी जो है वो है ओपन ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी रिस्पेक्टिवली उसके बाद में औरंगाबाद में तीनों वैकेंसी ओपन के लिए अगरतला में तीनों वैकेंसी ओपन के लिए दिल्ली में दो वैकेंसी ओपन के लिए रोपार में दो वैकेंसी ओपन के लिए एक OBC, एक ओबीसी के लिए तीस साल लिमिट एंड रिटर्न टेस्ट ओनली ओके सो uh, नेक्स्ट so, जो है थर्टींथ नंबर एक वैकेंसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन बता दूं तीस साल आपका एज लिमिट बाकी आपका ऑब्जेक्टिव होगा इसेंशियल uh, क्वालिफिकेशन है डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड सिक्सटी परसेंट जरूरी है उसके बाद में सर्टिफिकेशन एंड और क्या जरूरी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस सिक्सटी परसेंट फॉर ए फॉर ए दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और एक ही वैकेंसी है वो है डब्ल्यू के लिए ओपन के लिए और जम्मू एंड कश्मीर में उसके बाद में आता है टेक्निकल असिस्टेंट सात वैकेंसीज इसमें है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन कहराते हैं उसके बारे में बता दूं इसका भी रिटर्न होगा 27 एज लिमिट है बैचलर डिग्री इन साइंस बी आपका चलेगा सिक्सटी परसेंट या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका जो कंप्यूटर साइंस आई टी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम में भी होगा तो भी चलेगा फॉर ए यहाँ पे वन ईयर एक्सपीरियंस जरूरी है जो और फॉर बी के लिए दो साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है सात वैकेंसी जैसे बताया तो औरंगाबाद ईडब्ल्यू और ओपन के लिए एक एक वैकेंसी चेन्नई में दो वैकेंसी ओपन के लिए गोरखपुर में एक वैकेंसी एस सी जम्मू एंड कश्मीर एंड इम्फाल दोनों के अंदर रिस्पेक्टिवली एक वैकेंसी जो है वो ओपन के लिए है ओके okay, उसके बाद में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जेटीए आपको सिलेबस का भी थोड़ा हिंट दे दूंगा मैं इस ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो क्या होगा रिटर्न कैसा होगा टोटल दो वैकेंसी है जेटीए के लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसका भी पे बैंड दिया है सारी जो वैकेंसीज है वो परमानेंट है सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे इसमें जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दो वैकेंसी अगरतला में है सत्ताईस एज लिमिट है क्वालिफिकेशन बी एस सी बी सी ए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद सिक्सटी परसेंट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन भी चलेगा या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका चाहिए फॉर ए यहाँ पे जो है फॉर ए वो बता दूं कि फॉर ए बी सी ए और बी सी बी एस सी के लिए जो है आपका नीली एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है और वन ईयर एक्सपीरियंस आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। तो ये सारे है पोस्ट कुछ जो है फ्रेशर्स के लिए एजुकेशन वाइज भी यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किए है कि इतना साल चाहिए उतना साल चाहिए और वो जरूरी है कहीं पे भी आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी ओके नाइनटीन okay, इसका लास्ट डेट है ओके okay, और जैसे कि वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है हर जगह पे ये लिखा हुआ ही रहता है रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी ओ बी डी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट रूल जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन के लिए तो नहीं है लेकिन ओबीसी के लिए तीन साल एस सी एस टी के लिए पाँच साल uh, उसके बाद पीडब्ल्यू डी के लिए दस साल पीडब्ल्यू डी प्लस कैटेगरीज होंगे तो वैसा आपका ऐड होगा टी uh, एडी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए ये चीज़ याद रखना एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट जहाँ जहाँ इंटरव्यू है वो डिपेंड करेगा नहीं तो आपके रिटर्न के भी होने के चांसेस है जहाँ पे एप्लीकेशन कम आते हैं लेकिन जो मोस्टली बहुत ज्यादा 12, 18, 8 एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ पे मोस्टली इंटरव्यूज ही होंगे बाकी साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के लिए चांसेस uh, है कि रिटर्न भी हो क्योंकि अगर ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो ओके okay, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है बाद में uh, ओके एज लिमिट का जो आपका कट ऑफ डेट है वो नाइनटीन सेवन है मतलब लास्ट डेट है वहाँ तक आपका एज यहाँ पे कंसीडर होगा तो आपको वही से करना है उसके बाद में रिजर्वेशन का तो मैंने आपको बता दिया है पे यानी कि आपका जो है फीस वो बता दूँ सो यहाँ पे जो है जहाँ पे लेवल टेन का एंड अबाव है सो चार जो है पर एप्लीकेशन ओके फॉर एस सी एस टी वूमन पीडब्ल्यू डी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए वही आठ सौ रुपये आपका जनरल एंड ऑर्डर जहाँ पे लेवल सिक्स एंड अबाव है या सॉरी बिलो है अबाउ तो पहले ही हो चुका है सो so, यहाँ पे तीन सौ रुपये और यहाँ पे छः सौ रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है ये नॉन रिफंडेबल है याद रखना और आपको जो है चलन चेक ये इससे पे नहीं करना है ऑनलाइन ही पे करना है यू पी इसे करो या फिर नेट बैंकिंग या बाकी जो भी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा उससे करो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट ओनली वंस यूजिंग देयर ईमेल आई डी सो यस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे वैकेंसीज है जिसमें आप मल्टीपल दो तीन पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहोगे Uh, तो आपको क्या करना है एक ही बार रजिस्टर करना है वंस ओके okay, आपको रजिस्टर करना है देर मोबाइल नंबर एंड ई मेल क्योंकि आप एक बार रजिस्टर कर लोगे तो आपको री रजिस्टर नहीं कर पाओगे लेकिन उसके बाद आप मल्टीपल पोस्ट को उसी लॉग से अप्लाई कर सकते हो सो सेम रजिस्ट्रेशन आई डी फॉर अपलाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट इनकेस रजिस्ट्रेशन आई डी इज नॉट सेम इन मल्टीपल पोस्ट सो इट मे बी रिजेक्शन सो आप अलग एप्लीकेशन या अलग रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है एप्लीकेशन नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करना है वही रजिस्ट्रेशन से आपको सारे फॉर्म्स फिलअप करने हैं जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो चॉइस ऑफ सेंटर्स की बात करेंगे सो रिटर्न टेस्ट जो है जहां जहां लिखा हुआ है सो नो चेंज ऑफ सेंटर सबसे पहले बता दूं तो यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब 25 यहाँ पे लगभग सेंटर्स से हैं इंडिया में सो so, आपका जो स्टेट आप इंडिया में जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपके नजदीक का होगा वो आप वहाँ पे प्रेफरेंस दो ओके okay, और बाकी ये भी याद रखना अगर वो नहीं मिला तो आप दूसरे जो रेफरेंस हो उसमें आप जा जाओगे उस, उसके बाद चॉइस ऑफ पो, पोस्टिंग प्रेफरेंस सो कैंडिडेट्स शुड गिव देयर प्रेफरेंस चॉइस ऑफ पोस्टिंग जो भी सेंटर्स है एन आई एल के सो To the wise. So yes, ये भी करती है कि आप जो है आपको प्रेफरेंस देना है वो कहाँ वैकेंसी है उसके हिसाब से देना है सो कैंडिडेट्स बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी कैन बी सिलेक्टेड अंडर यू आर इफ दे आर हाइयर इन मिरिट देयर फॉर ऑल एस सी एस टी ओ बी सी जो भी कैंडिडेट्स है पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स में ऑल्सो ऑप्ट फॉर चॉइस ऑफ पोस्टिंग जो भी होगा सो so, इसका मतलब ये है अगर कोई एस सी एस टी या फिर और कैटेगरीज से पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू एस ओ बी सी कैटेगरीज से बिलोंग मतलब अदर दैन ओपन तो आप जो uh, बाकी जहाँ पे ओपन के वैकेंसी वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो आपको कंसिडर किया जाएगा ओपन में आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके लोकेशन के लिए आपके प्रेफर लोकेशन के लिए वैकेंसी ना हो तो आप ओपन से अप्लाई कर सकते हो रिटर्न टेस्ट का मैं आपको थोड़ा बता दू यहाँ पे सो रिटर्न एग्जामिनेशन विल कम्प्राइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शाल बी ओ एम आर बेस्ट बेस्ट होता है मतलब आपका कंप्यूटर टेस्ट नहीं है वो आपको ये दिया जाएगा शीट दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको आपका मतलब ये मैनुअल होगा कंप्यूटराइज नहीं होगा ओके okay, सो so ये चीज याद रखना देर विल बी नेगेटिव मार्किंग यानी कि जीरो पॉइंट टू फाइव वन फोर्थ या फिर जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा दो का होगा तो पॉइंट फाइव वन का होगा तो पॉइंट टू फाइव इससे ज्यादा तो नहीं होगा इंटरव्यू में मे नॉट बी प्रोसीडेड बाय रिटर्न टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो ऑलरेडी तो बता दिया कौन से कौन से पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट जहां-जहां स्किल टेस्ट लिखा हुआ है दो-तीन uh, ही पोस्ट के लिए मोस्टली आपका शॉर्ट हैंड या फिर आपको टाइपिंग टेस्टी होगा वो आपका रिटर्न क्वालीफाई क्वालीफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिसको आपको सिर्फ क्वालीफाई करना है लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट है वो रिटर्न टेस्ट पे ही लगेगा ये चीज याद रखना पासिंग uh, परसेंटेज 50% है आपका ओपन के लिए Uh, लेकिन ऐसा नहीं कि 50% परसेंट आ गया तो आप क्वालिफाई हो या फिर आपको बुलाया ही जाएगा आपका कट ऑफ लगेगा और आपके कितने बच्चे क्वालिफाई है उसके हिसाब से कट ऑफ लगेगा 45% परसेंट रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे है सिलेबस जो है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार जस्ट हिंट दे दूँ कि सिलेबस क्या है सो so, उन्होंने जो यहाँ पे बताया है Uh, उसके हिसाब से नोटिस रिगार्डिंग द सिलेबस यहाँ पे जो आया है वो बता दू कि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन किया है सो द क्वेश्चन पेपर ऑफ द रिटर्न टेस्ट विल बी ऑफ़न फॉलोइंग एप्टीट्यूड जिसमें आपका एप्टी एंड रीजनिंग दोनों रहेगा और डोमेन नॉलेज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट यानी कि आपको उन्होंने जो पढ़ाई के लिए ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि आप टेक्निकल अभी से शुरू या फिर आपका जो जो भी आपका बैकग्राउंड या फिर आपका क्वालिफिकेशन होगा उसका आप जो है प्रिपरेशन करो और आपका एप्टी भी होगा

से करो आ, यहाँ पे जो कुछ आ, आपको आ, फिलिंग एप्लीकेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए क्या-क्या चीज जरूरी है एक्टिव मोबाइल नंबर आपका जो जरूरी ईमेल एड्रेस फोटो अब और एक चीज स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अलोंग विथ सिग्नेचर यानी कि आपको फोटो के नीचे आपका साइन होना चाहिए ऐसा ओके तो ये जरूरी ये अलग-अलग नहीं अपलोड करना है स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर तो ये अलग से करना है और फोटो में ध्यान रखना नहीं तो आप सिर्फ इतना ही करोगे क्योंकि यहाँ पे सैंपल इमेज दिया हुआ है स्कैन कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट टू फिफ्टी के वी के अंडर स्कैन कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन टेन प्लस टू कास्ट कैटेगरी डिग्री जो भी इसेंशियल हो गए मार्कशीट्स हायर क्वालिफिकेशन पी डब्ल्यू डी होगा तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ई डब्ल्यू एस होगा तो वो ओ बी सी होगा तो नॉन क्रिमिलियर ये सारी चीज़ें फोटो आइडेंटिटी कार्ड करना है ऑनलाइन पेमेंट आपको बाद में करना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसके हिसाब से आप सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना और वही डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में जरूरी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आपको यहाँ पे अपलोड करना है और एक और एक चीज़ बिफोर प्रोसीडिंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट यू मस्ट इन्श्योर दैट द ऑटो फिल ऑटो कम्प्लीट डेटा ऑफ योर प्राउजर इज क्लियर द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हाउ टू क्लियर एंड डिलीट ऑटो फिल ऑटो कम्पलीट डेटा इज प्रोवाइडेड पेज 26. सिक्स so, तो वहाँ पे दिया हुआ है कैसे करना है ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी को कुछ क्वेरी आता है बोल्ड में दिया हुआ है हाईलाइट करके ओके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो क्लोजिंग डेट से पहले करो ये सारी चीज़ें सबमिटेड सक्सेसफुली आपको uh, उसके बाद में नॉन रिफंडेबल फीस है प्रोसीजर uh, जो मैंने आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से बता दिया है और उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है तो आप वहाँ से सीधा फिलअप कर सकते हो और उसी लिंक पे आपको इंस्ट्रक्शन का भी लिंक मिल जाएगा सो so, वो मैं एक्स्ट्रा जरूरत नहीं प्रोवाइड करने का न्यू रजिस्ट्रेशन से शुरू करना है आपके पर्सनल पर डिटेल्स डालने हैं उसके बाद में आपका क्वालिफिकेशन और सारी एक्सपीरियंस उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको सेंटर चूज करना है पेमेंट करना है वो सारी चीज़ें प्रिंट एप्लीकेशन या व्यू एप्लीकेशन आपको करना है उसके बाद आप सेव करके रखो या फिर उसको प्रिंट निकाल के भी रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़ ओके तो ये है आपका जैसे मैंने आपको बताया सारा पूरे डिटेल में दिया हुआ है और आप मेरे ख्याल से कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखोगे वही सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है ओके okay, तो इसका इंस्ट्रक्शन का भी लिंक वही से आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि आपको ये डैशबोर्ड का ऑलरेडी दे रहा हूँ जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तो आपको यही पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शन का भी मिल जाएगा जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया तो जैसे कि कुछ कुछ चीजें है क्लास टेन सबका ही होगा जो जो मैंडेटरी होंगे वो तो करने ही है ओके okay, uh, जैसे कि डिग्री या आइडेंटिटी कार्ड ये सारी चीज़ें टेन प्लस टू तो ये आपको तो कंपलसरी करने ही करने हैं और एक बार उसको चेक करना है एंड देन मेक पेमेंट एंड आफ्टर पेमेंट आप जस्ट उसको प्रिंट या करके सेव करो या फिर आप प्रिंट निकाल के भी आपके पास रख सकते हो फॉर फ्यूचर और एक चीज़ uh, जैसे मैंने आपको बताया एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है तो आप एक रजिस्ट्रेशन से आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप कर सकते हो फॉर डिफरेंट पोस्ट तो मल्टीपल पोस्ट आप चार पाँच दो तीन जो भी चाहे आप आप अप्लाई कर सकते हो बाकी ये जो प्रोसीजर बताया सेव कर का, सेव करने का तो ये सारी चीज़ें क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो मतलब ये जरूरी है जैसे 26 पेज से उन्होंने बताया था कि आपको ऑटोफिल या वो सारी चीज़ें कैसे करनी है सो so, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल टाइम एंड कैसे क्लियर करना है अगर आप क्रोम यूज करते हो तो ऑटो फिल में कैसे करना है ऑटो फिल सेक्शन कैसे ऑफ करना है टर्निंग ऑफ अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोजर यूज करते हो तो उसको कैसे बंद करना है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हो कुछ कुछ लोग करते तो वो भी बताया तो फायरफॉक्स का भी बताया मेरे ख्याल से सभी का बताया सफारी का भी बताया सो so, यही पूरी इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं लगता उतनी जरूरत पड़ेगी लेकिन फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर जरूरत पड़ी तो उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया मतलब इसी का लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसमें आपको मिल जाएगा क्लियर बढ़ते हैं आगे सो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज वगैरह चाहिए उनको तो निकाल के रखो कॉल लेटर वगैरह आपको आएगा वेदर इंटरव्यू या फिर रिटर्न का साइट पे आएगा मेल पे आएगा वैसे ये चैनल पे भी मैं डाल दूंगा जब ऑफिशियली आ जाएगा uh, उसके बाद में द पर्सन सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड जो भी सेंटर होगा आपका ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट ऐसा नहीं कि आपने डाला और आपका हो गया ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी आपके मेरिट में कोई आगे होगा सेंटर पे तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा इन केस द कैंडिडेट हैज नॉट ऑप्टेड द सर्टन सेंटर्स ही और शी विल नॉट बी कंसिडर तो आप क्वालीफाई भी कर लोगे तो आपको कंसिडर नहीं किया, किया जाएगा तो इसलिए ध्यान रखना कि

चार एंड अब फोर टाइम्स ऑफ द पोस्ट यानी कि अगर दस है तो चालीस तो ये सारी चीज है टाइप ब्रेकिंग रूल्स बहुत जरूरी है यहाँ पे क्योंकि रिटर्न टेस्ट जहां पे सिलेक्शन होना है वहां पे मोस्टली मार्क्स हो सकते हैं सेम हो सो टू और मोर कैंडिडेट मार्क्स विल बी द गवर्नमेंट रूल्स ओके फॉर द पोस्ट वेयर द स्किल टेस्ट इन्वॉल्व आपको जो है वन बाय फाई रेशो में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि वहाँ पे भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा क्योंकि आपका क्वालिफाइंग नेचर जो होगा वो इसलिए वहाँ पे आपका वन बाय फाइव होगा जहाँ जहाँ भी लिखा गया मतलब दस होंगे तो फिफ्टी बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से फिर जो क्वालिफाई करेंगे और मेरिट में आएंगे उनको फाइनल जो कॉलअप मिलेगा फिर आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे होंगे यस कॉमन मेरिट लिस्ट होगा फोटो का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है फिफ्टी के बी और बाकी सारे भी दो सौ पचास के बी के डॉक्यूमेंट्स सारे ही लगभग वो पी डी एफ चाहिए ओके सो ये जरूरी बाकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए और जो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वहाँ पे एक एम बी आपका साइज चलेगा और एक्सपीरियंस और रिलेवेंट सर्टिफिकेट के लिए जो है फाइव हंड्रेड के बी आपका चलेगा प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर

ओके okay, जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंटआउट निकाल के रखो और आपको ये एड्रेस पे सेंड करना है लास्ट डेट से पहले और या फिर विद इन थर्टी डेज ओके okay, तो आपको ये सारी और जो भी मल्टीपल फॉर्म्स भरते हैं उनको बहुत जरूरी है कि उनके सारे एप्लीकेशंस पहुंचने चाहिए और जो भी सिंगल भरेंगे उनके लिए भी सिक्सटी परसेंट यानी कि सिक्सटी परसेंट बाकी उसमें चेंज नहीं होगा ओके फाइनली सबमिटेड विल बी ओके जो भी होगा इनकरेक्ट होगा तो रिजेक्ट होगा तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ओके एनी चेंजेस विल बी नॉट डन एंड अगर कोई क्वेरी तो यहाँ पे मेल आईडी दिया डायरेक्टली आप सेंड करो ओके सो यस एप्लीकेशन प्रोसीजर का मैंने पूरा आपको बता दिया लिंक भी दो शेयर कर दूंगा एक नोटिफिकेशन और दूसरा आपको जो है ऑनलाइन uh, एप्लीकेशन का सो so, uh, जैसे मैंने आपको बताया आपको ऑनलाइन पहले फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको जो है फॉर्म सेंड करना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सेंड नहीं करना है तो वैसा नहीं है यहाँ पे जो इस साल है इस साल जो निकाला है वो आपको सेंड करना है सो so, याद रखिएगा वो उसका आप एक फोटो निकाल के रखो वीडियो में सो so, बाकी ऐसे ही बहुत सारे जॉब अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे ये चैनल पर एंड स्टेट यून और सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलना क्योंकि बहुत जरूरी है एंड थैंक यू ऑल ऑल द बेस्ट एंड स्टेट ट्यून फॉर नेक्स्ट जॉब अलर्ट